असल में ये बड़ा कोई गेम चल रहा है, कोई गेम चल रहा है। हाँ, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। ईरान जो है ना वो गलत कर रहा है, क्योंकि इस टाइम हमें इत्तेहाद की जरूरत है। नहीं नहीं, वो तो हूरों के पीछे पागल है ना। अच्छा। तो वो लड़ेंगे कहाँ से? अच्छा। वो तो हूरों के पीछे पागल है, तो ये लोग तो हूर में पागल है। अब हूर हूर करके भी अगर बम मारेंगे तो भी मरने के बाद हूर के लालच में ही मारेंगे, अदरवाइज ऐसे तो मारने वाले नहीं। मुसलमान पर मुसलमान नहीं कर सकता, ये इंडिया की सारी पॉलिसी है, ये इंडिया करा रहा है सारा काम। जहाँ तक इंडिया की बात है तो वो तो स्टार्टअप से ही हमारे हक में नहीं था। पाकिस्तान अब कब्रिस्तान ही बनेगा और अब उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं, इसके लिए तो पूरा अल कुरान गवाह है। कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ये फसाद जो है शिया सुन्नी की तरफ चला जाए, तो पाकिस्तान को बिल्कुल रियलिटेट नहीं करना चाहिए था। हम तो ये बचपन से सुन के आ रहे थे कि ईरान और अफगानिस्तान ये एक हमारे इस्लामी मुल्क थे। अच्छा। लेकिन अभी बदकिस्मती से दरमियान में किसी ने ऐसा रखना डाला हुआ है कि जिसके वजह से हम अभी दुश्मन बन रहे हैं। दोस्तों, नाजिया बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बात तो लोगों का चक्कर पड़ने वाला है इनका, क्योंकि अब इनको ये पता है कि कई लाशें गिरेंगी। दोस्तों, ईरान छोड़ेगा तो है नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि ईरान चाह रहा था कि किसी तरीके से वो अपनी पावर शो करे, और उसको चाहिए थे कुछ ऐसे मुल्क जो बिल्कुल ही मरे पड़े हो, जैसे सीरिया, इराक, और उसने पाकिस्तान पर कर दिया। वो चाहता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, पाकिस्तान ने कर दिया। अब पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि उधर से अफगानिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, उधर से ईरान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। भारत का बॉर्डर हमेशा के लिए इनके लिए बंद है। अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, चीन इनको कुछ दे नहीं रहा, लड़ने का इनके पास असला नहीं है, खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, गैस जो अफगानिस्तान से ईरान से आती थी वो बंद हो गई है। अब ये चारों तरफ से फंस गया है। दोस्तों, खेल तो अब शुरू हुआ है, अब देखिएगा आगे आगे होता है क्या। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कल ईरान की जानिब से पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया साइड एक ब्लास्ट किया गया है, अटैक किया गया है, तो मुझे बताइएगा सर क्या वजूहात है कि ईरान ने, पहले आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है ईरान ने क्यों अटैक किया होगा, क्यों, किस वजह से? मुसलमान पर मुसलमान नहीं कर सकता, ये इंडिया की सारी पॉलिसी है, ये इंडिया करा रहा है सारा काम। कि हमेशा हम हर चीज में, यहाँ कबूतर भी मरे, कोई गाड़ी भी टूट जाए तो हम इंडिया पे ब्लेम करते हैं, क्यों, क्या वजूहात है? सबूत हमारे पास होते नहीं है, ब्लेम हम हमेशा इंडिया पे कर देते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा जीती तक हमारा 50 साल उम्र हो गए, हम तो यही देखते आए हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं होता। अच्छा। सब कुछ करता है इंडिया है, हम भी मुसलमान है, मुसलमान पर अटैक नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर मैं तो देखती हूँ मुसलमान मुसलमान को मारता है आगे बढ़ने के लिए, मुसलमान मुसलमान को मारता है खुद का पेट पालने के लिए। वो पेट पालने के लिए भावे किसी के मजहबी लाइन पर कोई भी किसी को नहीं मार सकता। मजहबी तो नहीं था, उन्होंने तो ईरान ने कहा है कि वहाँ पे दहशतगर्द थे बलोचिस्तान साइड। वहाँ तो कोई भी नहीं है पाकिस्तान में या उधर ईरान में, कोई भी दहशतगर्द नहीं है। आपने कहा मुसलमान मुसलमान को नहीं मार सकता, पाकिस्तान ने आगे फर्दर अटैक किया है ईरान के ऊपर, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें अपने अपनी हिफाजत के लिए अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अटैक नहीं करना चाहिए। मुझे बताइएगा अल्लाह ना करे अगर ये वॉर की तरफ जाता है सिचुएशन, तो क्या समझते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है कि हम जंग कर सकें? हाँ, हम जंग कर सकते हैं, उनके इकोनॉमी के हालात हैं, हम जंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास सब कुछ है। अच्छा। अगर हमारे पास दीन है, ईमान है ना, हमारी ताकत बहुत है, लेकिन हम इधर सारे चोर हैं, हम क्या करें, किसी के साथ क्या दें, मतलब हम अभी ताकतवर नहीं है ना। हाँ, ताकतवर हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो वो तो स्टार्टअप से ही हमारे हक में नहीं था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो मिलके ही कोई ना कोई साजिशें करती हैं, तो हमें इसकी जवाबी कार्रवाई में हमेशा तैयार रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जहाँ इंडिया को बुरा कहते हैं, हम दूसरी बड़ी ताकतों को बुरा कहते हैं, वो अपने लिए काम कर चुकी हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, ये बना चुकी हैं। हमें अगर बनाने की ज़रूरत होती हम बनाते, तो आज हमें ये डर ना होता कि हमारा आधा से ज़्यादा तो पाकिस्तान जो है वो लीज पर है। आपको नहीं लगता कि उन जैसी पॉलिसीज़ को हमें भी फॉलो करना चाहिए, हमें भी इस तरह के इकदाम करने चाहिए जिससे ईरान या कोई भी उठ के हम पे अटैक करने से पहले 4 बार 10 बार सोचे? देखें, उस इस बात का जवाब सिर्फ एक छोटा सा है
कि हम अंदर से कमजोर हैं। क्योंकि पाकिस्तान अब कब्रिस्तान ही बनेगा और अब उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे हैं, इसके लिए तो पूरा अल कुरान गवाह है कि मुसलमानों ने मुसलमान से लड़ाई की। अब ईरान भी मुसलमान और पाकिस्तान भी मुसलमान, बड़े जज्बे वाले कौम है पाकिस्तान वाले। तो वो कह रहे हैं कि हम सहन नहीं करेंगे, तो सिर्फ कह रहे हैं, कुछ करके तो दिखाए ना, कुछ करके दिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने बहुत जबरदस्त काम किया है सर्जिकल। ये हूरे तो लड़ेंगी नहीं, लड़ना तो मर्दों को ही पड़ेगा, लेकिन मर्द क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो हूरों के पीछे पागल है ना। अच्छा। तो वो लड़ेंगे कहाँ से? अच्छा, वो तो हूरों के पीछे पागल है, तो ये लोग तो हूर में पागल है। अब हूर हूर करके भी अगर बम बम मारेंगे तो भी मरने के बाद हूर के लालच में ही मारेंगे, अदरवाइज ऐसे तो मारने वाले नहीं। लेकिन ईरान ने जिस हिसाब से जवाब दिया है, करारा जवाब दिया। हम तो ये बचपन से सुन के आ रहे थे कि ईरान और अफगानिस्तान ये हमारे इस्लामी मुल्क थे। अच्छा। लेकिन अभी बदकिस्मती से दरमियान में किसी ने ऐसा रखना डाला हुआ है कि जिसके वजह से हम अभी दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है। हमने तो ईरान का सोचा नहीं था, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया जो है हम पे हमला करेगा। इंडिया ने तो किया नहीं, जिस मुल्क का हमने कभी सोचा नहीं उसने डायरेक्ट हमला कर दिया। दो पाकिस्तानी जो है बच्चों ही शहीद हो गए और बहुत से लोगों की जख्मी होने की भी खबर आ रही है। ईरान इतना गुस्से में आखिर क्यों है पाकिस्तान पर? असल में ये बड़ा कोई गेम चल रहा है, कोई गेम चल रहे हैं। हाँ, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। ईरान जो है ना वो गलत कर रहा है, क्योंकि इस टाइम हमें इत्तेहाद की जरूरत है। अच्छा। न कि अमेरिका को जो ना हम उसको मौका दे, या भी मौका देखना चाहता है। अमेरिका कहेगा कि ईरान ने अच्छा नहीं किया तो वो उनके खिलाफ हमला कर देगा। हाँ। तो इससे फिर पाकिस्तान भी पीछे रहेगा, क्योंकि अगर उस पर पहले से मिसाइल वो हमले कर रहे हैं तो हम फिर क्या किस मुंह से उनके मुकाबला करेंगे। सवाल ये है कि जब ईरान ने हमला किया, हमारे पास एयरफोर्स है, हमने उनके हमले को रोका क्यों नहीं? असल में हमने तो संभल और तहमुल का मुजाहरा किया कि हमने बोला ये माफ़ी मांग लेंगे, और हमने बोला हो सकता है कि गलती से हो। पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया है जी ईरान में? हमला तो कर दिया, लेकिन अभी सब और तहमुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये मौका अगर आग को लगाना है तो आग वैसे ही पूरी दुनिया में लगी हुई है। अच्छा। तो ये बहाना सिर्फ बनेगा और कुछ नहीं होगा। देखिए बाप बड़ा ना भैया मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया, जब तक पैसा मिल रहा है चाइना से तब तक पाकिस्तान का वो आका बना रहेगा। और मुझे लगता है कि चाइना इस जो ईरान और पाकिस्तान के मिडल में हुआ है, चाइना की कमजोरी हम लोगों को सामने समझ में आ गई है। जब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ईरान के अपोजिट में, तो भारत से क्या ही लड़ेगा, हम तो ऐसे ही चटनी बना देंगे। देखिए पाकिस्तान के मुंह पर 56 मुस्लिम मुल्कों ने थूक दिया है। जिस सऊदी अरबिया का राग अलापता था और तस्बीह दाना पड़ता रहता था पाकिस्तान, आज लाल टोपी वाला हमीद बैठ करके सऊदी अरबिया को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। और अब एक ऐसा विजन हो चुका है, भारत के प्रधानमंत्री ने सबको ऐसा विजन दिखाया है कि भाई इकोनॉमी बूस्ट करो और अपनी GDP बढ़ाओ, अपने देश को तरक्की याफ्ता बनाओ, और सब उसी दिशा पर चल रहे हैं, मोदी जी की दिशा पर। अब बात है कि सऊदी अरबिया खुद बहुत मॉडर्न हो रहा है, सऊदी अरबिया खुद अपने रिलेशनशिप जो है बाकी देशों से अच्छे रखना चाहता है। अब इस तरह से पाकिस्तान इतनी भिकमंगी हालात में भी अगर सऊदी अरबिया को क्रिटिसाइज जो कर रहा है, इस क्रिटिसिज्म के बीच में अगर सऊदी अरबिया ने अपना पूरा कर्ज वापस मांग लिया तो क्या करेगा पाकिस्तान? नाजिया बहन को मालूम नहीं है कि इनके पास बहुत रास्ते हैं, इनको सिर्फ अपनी आवाम को भूखा मारना है और अपने देश के टुकड़े टुकड़े करके बेचना है। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, ये अब उस बिल्कुल किनारे में पहुंच चुका है। जिस दिन भी जरा सा झटका पड़ेगा ये देख लेना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि बाहर से इसको कुछ मिल नहीं रहा, बाहर से लाते अलग पड़ रही हैं, अपने अंदर से बुरा हालत इसके वैसे हुए पड़े हैं। आप देख लीजिए वहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे, लेकिन वो भूखे मरने की वजह से इन्हीं की वजह है, इन्होंने ही लोगों को आग में झोंका हुआ है, मजहब की आग में, हिंदू नफरत की आग में। एक दिन तो ऐसा आना ही था दोस्तों, अब वो दिन आ गया है। आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है, ये बहुत जल्दी बर्बाद होने वाले हैं। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।